तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। तो कैसे हैं फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। लंबे समय बाद दिखाई दिए ब्रॉक लेसनर, वह भी नए लुक के साथ। क्या जेल के अंदर चले गए हैं अल्बर्टो डेल रियो और कहां है सिन कारा? क्या कभी वापस आएंगे कंपनी में? सब कुछ पे चर्चा करेंगे इस खास अंक में। तो देर किस बात की, बिना देर किए सीधे खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को। सबसे पहले चर्चा करते हैं अल्बर्टो डेल रियो के बारे में। आपको पता होगा दोस्तों कि इसी साल अल्बर्टो डेल रियो का रिटर्न होने वाला था, पर बीच में अल्बर्टो डेल रियो ने बहुत खतरनाक कांड कर दिया। दरअसल दोस्तों, कुछ महीनों पहले अल्बर्टो डेल रियो का पुलिस स्टेशन से मग सूट फोटो प्राप्त हुआ था और TMZ वालों ने इस मामले में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट बनाई थी। TMZ के हिसाब से 43 साल के अल्बर्टो डेल रियो पर एक महिला ने बहुत ही गंभीर और संगीन आरोप लगाए थे। अल्बर्टो पर किडनैपिंग और सेक्सुअल असल्ट का आरोप लगाया गया था। बाद में न्यूज फॉर सैन एंटोनियो ने भी इस मामले में बहुत बड़ी रिपोर्ट बनाई थी। विदेश में इस प्रकार के संगीन आरोपों के लिए कम से कम 99 सालों की सजा हो जाती है दोस्तों। और पिछले कुछ महीनों से अल्बर्टो डेल रियो के बारे में कोई भी समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। कई साल पहले की बात करें तो 2017 के टाइम जो पेज रेसलर थी, आपको पता होगा महिला सुपरस्टार थी WWE में, उन्होंने भी अल्बर्टो डेल रियो पर संगीन आरोप लगाए थे। बाद में पेज ने अल्बर्टो डेल रियो को छोड़ दिया था और अब कुछ महीनों पहले ही अल्बर्टो डेल रियो बहुत बड़े लफड़े में फंस गए हैं दोस्तों। ऐसे में अब उनका बचना मुश्किल लग रहा है। अगर अल्बर्टो डेल रियो इस मामले में दोषी साबित होते हैं तो उनका जेल जाना तय है। बात करें बीस्ट यानी ब्रॉक लेसनर की, तो लेसनर कुछ महीनों से हमें नहीं दिखाई दिए दोस्तों, और उनके UFC में जाने की अफवाहें भी काफ़ी तेज चल रही थी बीच में। बाद में UFC 4 वाले गेम में भी लेसनर आए थे। उस गेम में लेसनर कैसे दिखाई दे रहे हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था। UFC 4 गेम कैसा है इस पर भी वीडियो बनाया था। अभी तक वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके तुरंत देखिएगा। कुछ समय पहले ही दोस्तों, एक फैन द्वारा लेसनर की एक रेयर फोटो सामने आ गई है। यह फोटो आजकल की है दोस्तों, और इसमें लेसनर एक मतलब सामान्य आदमी की तरह लग रहे हैं, जैसा कि वो अपने घर और खेतों में काम करते हों उस प्रकार का लुक है। उन्होंने अपना दाढ़ी भी नहीं काटा हुआ है। हमने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि लेसनर एक किसान फैमिली से आते हैं। लेसनर के पास बड़े बड़े खेत हैं और वह जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत बड़ा जंगल भी है। अपने इलाके के लेसनर एक रजिस्टर्ड शिकारी भी हैं। तो बस बिल्कुल उनका वैसा ही लुक है दोस्तों। जब वो कंपनी में आएंगे तो पूरा दाढ़ी आड़ी काट कूट के अपना वही पुराने लुक में आएंगे। रूमर्स की ने तो लेसनर को अब सीधे रेसलमानिया 37 के टाइम बुलाया जा सकता है। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों क्योंकि लेसनर अभी सर्वाइवर सीरीज में आने के मूड में नहीं है। बात करें सिन कारा की, तो दोस्तों आपको पता होगा कंपनी वालों ने ओरिजिनल सिन कारा को तो कई सालों पहले ही निकाल दिया था। जो बचे खुचे सिन कारा थे यानी सिन कारा हुनिको थे, उन्हें एक साल पहले ही निकाला गया है। यानी दिसंबर 2019 के टाइम सिन कारा को रिलीज कर दिया गया था और उसके बाद उन्हें वापस लिया ही नहीं गया। तो आप में से बहुत सारे लोग हमसे कह रहे थे कि मोनू भाई सिन कारा कहाँ है, क्या कर रहे हैं आजकल? तो अभी वह इंडिपेंडेंट सर्किट में काम कर रहे हैं दोस्तों, और जो WWE के रेसलर्स हैं उनके साथ उनका कॉन्टैक्ट बना हुआ है, वो उनसे मिलते जुलते रहते हैं। साथ ही दोस्तों, ज्यादातर टाइम सिन कारा एंड्राडे के साथ दिखाई देते हैं। एंड्राडे इनके काफी क्लोज फ्रेंड हैं, इसलिए कई बार यह पार्टी आर्टी करने भी साथ ही जाते हैं। अब आप लोग बार बार हमसे पूछ रहे थे कि यह कब आएंगे कंपनी में, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता अब इस समय COVID-19 का जो दौर चल रहा है इस टाइम में इन्हें बुलाया जाएगा। हो सकता है भविष्य में जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो क्या पता इन्हें बुला लिया जाए दोबारा। साथ ही दोस्तों, सिन कारा के ऑल एलिट रेसलिंग में जाने की भी अफवाहें काफी तेज हो रही है आजकल। तो फ्रेंड्स, कुछ कहा नहीं जा सकता सिन कारा को लेकर, और साथ ही कंपनी वालों ने सिन कारा का जो करेक्टर है वह खुद WWE वाले अपना अधिकार जताते हैं उसमें, और उन्होंने इस किरदार को ही रिटायर कर दिया है। तो ऐसे में मुश्किल है अब सिन कारा को भविष्य में देखना। पर हाँ, सिन कारा का किरदार निभाने वाले जो सिन कारा हुनिको है, वह कोई दूसरे नए किरदार में हमें कोई नए रेसलिंग कंपनी में भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ खास न्यूज अपडेट्स और रूमर्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।